फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD इफ एंगल A इज इक्वल टू 2x + 25 एंड एंगल B इज इक्वल टू 3x - 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो चलिए इसको हम पहले फिगर के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम है तो ये ए बी सी एंड दिस वन इज डी। हमारे पास दो एंगल दिया गया है, एंगल ए इज इक्वल टू 2x + 25 है, और ये हमारा एंगल जो बी है दैट इज इक्वल टू 3x - 5, ठीक है ना। ये दोनों डिग्री में है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों अगर दिया गया है तो ये दोनों है कैसा एंगल, तो एडजेसेंट एंगल है। और आप ये पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। तो हम इसका सम करते हैं, 2x + 25 + 3x - 5 = 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2x + 3x = 5x एंड इट बिकम 20 + 20, ठीक है। ये 25 - 5 = 20, और 20 अगर उस साइड में, इट मींस राइट साइड में अगर जाएगा तो वो -20 बन जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां अगर आप डिग्री नहीं भी मेंशन करें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इक्वेशन ये आप सॉल्व कर रहे हैं, और इक्वेशन में डिग्री मेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यहां पर देखिए, अगर आप मान लेते हैं कुछ भी आंसर आए, तो यहां 2 × x और ये +25 करके, और फिर तो जो आंसर आएगा उस पर डिग्री तो बाहर में लगा हुआ है ना, तो आप पुटअप कर सकते हैं। तो यहां से 5x = ये कितना हो जाएगा, 160, ठीक है ना, ये 160 हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सा है ये क्वेश्चन, ये एडजेसेंट एंगल से रिलेटेड है। तो ये 160 हो गया, तो अगर आप एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करिएगा, तो कितना हो जाएगा, 160 / 5, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 3 और 2 = 32 डिग्री हमारा आ रहा है, या फिर कहेंगे 32 आ रहा है, ठीक है। तो एंगल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 2 × 32 + 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64 + 25, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 89 डिग्री, ठीक है। और अगर 89 डिग्री है तो दूसरा जाहिर सी बात है, आप देखिए अब यहां पर आप वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा हो तो 180 में से -89 को भी आप कर दें तो ये भी एंगल बी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों का सम ही 180 है, और ये हमें पता चल गया है कि 89 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये 91 होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग, तो एंगल बी इज इक्वल टू 3 × 32 एंड -5 डिग्री, ओके -5 डिग्री, तो ये हो जाएगा 6 एंड दिस बिकम 96 - 5, इट बिकम 91। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद यहां पर कहा जा रहा है कि एंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, प्रत्येक एंगल फाइंड आउट करना। हमने तो दो ही फाइंड आउट करा है, लेकिन आप पैरेललोग्राम में ये पढ़ चुके हैं कि अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, तो इसके अपोजिट ये, इट मींस ये भी 89 डिग्री, और इसके अपोजिट ये, इट मींस ये 91 डिग्री। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। ये जो तीनों क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया है, इट मींस 6, 7 और 8 ऑल आर रिलेटेड टू एडजेसेंट सम एडजेसेंट एंगल, ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल से रिलेटेड ये तीनों क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बस थोड़ा बहुत थिंकिंग करना पड़ेगा, आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। 7 नंबर अगर क्वेश्चन हम देखें तो 7 नंबर में दिया गया है, इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 4/5, इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 4/5 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। तो देखिए, तो फिर से मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और ये मैं नेमिंग कर देता हूं ए बी सी एंड डी। अगर यहां पे बोला जा रहा है कि जो एक एंगल है वो एडजेसेंट एंगल का 4/5 है, तो हम मान लेते हैं ये एंगल एक्स है, तो इसका एडजेसेंट, या फिर ये अगर B हम मान रहे हैं तो ये इसका एडजेसेंट है ना X, तो ये कितना हो जाएगा 4x/5। देखिए मैं फिर से एक बार इसको समझाने का प्रयास करता हूं। If an angle of a parallelogram is 4/5 of its adjacent angle, तो हम ये मान लेते हैं कि ये एक एंगल है, तो B का एडजेसेंट कौन है, A, ठीक है। हालांकि B का एडजेसेंट C भी है, लेकिन इधर से हम देखें तब तो ये A जो है वो B का एडजेसेंट है, तो B एंगल कितना होगा 4/5x,
ठीक है। और ये दोनों का सम अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं, दोनों का सम कितने क्या इक्वल होगा 180 के। तो एक्स प्लस फोर एक्स डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल टू कितना 180। तो ये हो जाएगा 5x plus 4x 9x, 9x is equal to 180 into 5 and x become 180 into 5 divided by 9, तो ये 20, ठीक है, और ये हो जाएगा 100 degree। तो ये हमारा x का वैल्यू कितना आया 100 degree, it means ये हमारा 100 हो गया, it means angle A is equal to x and the value of x is equal to 100 degree and angle B is equal to 4x by 5, it means what 4 into 100 divided by 5, it become 80 degree। या फिर सिंपली आप दूसरे तरीके से अगर जाते तो अगर ए हमारे पास हमें पता है कि 100 degree है तो ये जो होगा 180 minus 100 होगा तो ये 80 ही होगा, ठीक है। तो find the angle of the parallelogram, तो यहाँ पर ये दोनों angle तो find out हो गया, तो ये भी 80 degree होगा क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है, और ये भी 100 डिग्री होगा। आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। तो 8 नंबर भी कुछ इसी प्रकार का है, ठीक है, और ये तीनों क्वेश्चन ही बहुत इजी है, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पर दिया गया फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 डिग्री लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। तो हम कोई एक एंगल यहाँ पर देखिए, ये अगर हम मान लेते हैं x, तो जो दूसरा एंगल है, क्योंकि अगर ये x है तो ये भी x होगा, पैरेललोग्राम का यही प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो जाहिर सी बात है ये जो होगा ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट के ट्वाइस से 30 डिग्री, देखिए फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, तो हम इसको 2x minus 30 मानेंगे। अब क्यों मानेंगे तो समझिए, हम मान रहे हैं let the smallest angle be x degree, ठीक है, x degree हम मान रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है 2x minus 30 होगा, smallest का डबल से 30 कम है, तो ये दोनों का सम फिर से वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है, x plus 2x minus 30 is equal to 180, it become 3x is equal to, ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये 210 डिग्री, और x का वैल्यू हमारा कितना आएगा x इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये हमारा 70 हो गया, ये कितना हो गया 2 इंटू 70 140 एंड 140 माइनस 30 इज इक्वल टू 110, तो अगर ये 110 तो ये भी 110 एंड दिस इज 70 डिग्री। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, जय हिंद।